इस साल का सबसे बड़ा बॉलीवुड क्लैश, बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी और तेलुगु के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार के बीच होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या शाहरुख की डंकी को बुरी तरह पछाड़ेगी सलार? एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को देखकर तो लग रहा है कि सलार बाजी मार रही है। डंकी को अच्छी ओपनिंग मिलेगी, लेकिन सलार पहले दिन ज्यादा कमाई करेगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की सलार 21 और 22 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो पूरे इंडिया में डंकी की 3.7 लाख टिकटें बिक चुकी हैं। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अभी तक करीब 10.64 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं सलार की इंडिया में करीब 7 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, जिससे अभी तक सलार 15.35 करोड़ रुपए कमा चुकी है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर तो लग रहा है कि सलार बाजी मार रही है। ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने इंडिया टुडे से बात करते हुए ये बताया कि सलार डंकी को पीछे छोड़ सकती है। रमेश का कहना है कि डंकी सिर्फ हिंदी में रिलीज हो रही है, जबकि सलार हिंदी के साथ 4 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होने जा रही है, जिसका फायदा सलार को मिलेगा। दोनों फिल्मों का टाइप भी बिल्कुल अलग है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है तो दूसरा मास फिल्म है। अगर इन दोनों पहलुओं को देखेंगे तो समझ आएगा कि डंकी को अच्छी ओपनिंग मिलेगी, लेकिन सलार पहले दिन ज्यादा कमाई करेगी। रमेश ने ये भी कहा कि डंकी पहले दिन 40 करोड़ कमा सकती है, जबकि सलार 75 से 80 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डंकी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पैन स्टूडियो ने सभी सिंगल थिएटर्स में डंकी के शोज को चलाने की मांग की थी। अब खबर है कि नाराज एग्जीबिटर्स ने डंकी के लिए एडवांस बुकिंग शुरू करने से मना कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्जिबिटर्स का ये कहना है कि इससे पहले भी फिल्मों का क्लैश होता आ रहा है और ये एग्जिबिटर्स का निर्णय है कि कौन सी फिल्म को कितने शो दिए जाएंगे। पैन स्टूडियोज से गुस्साए एग्जिबिटर्स ने तो ये तक कह दिया कि वो डंकी के लिए कोई भी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं करेंगे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सी फिल्म कितनी कमाई करती है। आप कौन से स्टार की फिल्म को पहले देखने जाएंगे, ये इस कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।